नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनेस्ट एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट जो कि अभी 27 मार्च को संपन्न हुआ, तो उसकी जो आंसर कीज जो है वो मैक्सिमम आ चुकी हैं। तो उसी आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको ये करवाऊंगा। ओके, तो आपने बहुत सारे पहले भी देख लिए होंगे, तो लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये मेरे पास है अब सीरीज़ नंबर सी, तो मैं सीरीज़ सी से स्टार्ट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो भी आपका ये दिया था, इसको अपने सीरीज थी, इसको अपने कंप्लीट करना था। तो इसका सही आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी, 130। आई होप अपने बहुत आप में से बहुत लोगों ने 130 ही लगाया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के भी एक सीरीज का क्वेश्चन था, तो सेकंड का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 35। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है रंजीत सागर लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक। अब इनमें से बताना था हमने कि सबसे ऑड वन क्या है, सबसे अलग क्या है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा आपका। क्यों था? क्योंकि हिमाचल में नहीं है ना। अगला है CAB को कोड करता है ये 312, BIG को कोड करता है 297, तो FEED को कोड क्या करता है? देखिए ई जैसे अल्फ़ाबेट की, तो ये तो सीधा नंबरिंग दी थी हमारे अल्फ़ाबेट्स को, तो फोर्थ ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ अ डॉग इज़ कॉल्ड कैट, कैट इज़ कॉल्ड लाइन, लाइन इज़ कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स इज़ कॉल्ड कॉक, कॉक इज़ कॉल्ड एलिफेंट, एलिफेंट इज़ कॉल्ड डंकी, फार्मर प्लो विच विद विच एनिमल। तो पाँचवीं का उसका सही आंसर था आपका हमारा सी, डंकी। नेक्स्ट देखेंगे हम, राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट मच एज राजन, अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, हु इज शॉर्टर देन श्याम। तो उसका सही आंसर रहेगा सिक्स का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सोहन। नेक्स्ट है किसी निश्चित बिंदु से श्यामलाल पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, फिर दाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, आखिर में दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितना किलोमीटर दूर है? तो सेवन का ऑप्शन नंबर डी आएगा, बस इसमें डाटा एक्यूरेट नहीं था ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका एट्थ का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाइन्थ का आंसर रहेगा आपका इन एवरेस्ट, इफ़ एवरेस्ट इज़ टू हिमालयाज देन माउंट आबू इज़ टू अरावली, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला है 10th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी, ये तो हमारा आपके पास ये था, ये कुछ पैराग्राफ दिया था, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन थे। तो 10th का ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे डी, 10th का ऑप्शन रहेगा डी। 11th का ऑप्शन रहेगा आपके पास ए, 12th का आंसर रहेगा आपके पास डी, और 13th का आंसर रहेगा आपके पास यहाँ पे 13th का बी। क्या रहेगा 13th का? 13th का रहेगा बी, ग्राउंड नट। नेक्स्ट हमारा इफ़ टुगेदर इज डोनेटेड एट, जो भी इन्होंने बताया था, तो फ्रेंड को हम किस तरह से डोनेट करेंगे? तो 14 का ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा राम्स पोजीशन इज 13 फ्रॉम द अपवर्ड इन द क्लास 53, व्हाट विल बी द पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड, तो नीचे उसकी जो है कितनी पोजीशन रहेगी। 13 था तो उसका सही आंसर रहेगा आपका 15वें ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 41। नेक्स्ट हमारा, चलिए ये भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 16 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन, आई एम गोइंग आउट टू नाइट लक्ष्मी सेड। तो 17 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 18, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो उसका हमारा सही आंसर रहेगा 18 का रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेज थी आपके पास कहाँ की फ्रेज, हाँ चलिए फ्रेज नहीं थी, कहती है एवरीथिंग इज़ फनी एज लॉन्ग एज इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्स। तो उसका टू नहीं आएगा यहाँ पे, टू तो नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं ना। तो ये रहेगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर रहेगा डी, इज़ हैपनिंग टू। 20, एवरी वन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन इन हाई स्पिरिट्स। तो उसमें क्या रहता है हाई स्पिरिट्स का मतलब, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या रहेगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी, चीयरफुल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड। तो 21 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पायस कहता है काफ़ी पवित्र जैसा ना, तो रिलीजियस। 22 का ऑप्शन रहेगा आपको बस ऑप्शन नंबर ए, रिलीजियस। ओके, आगे नेक्स्ट है आपका 23, रिप्लेनिश का आंसर रहेगा आपका 23 का, 23 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्टोर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
24, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, उसको हम क्या कहेंगे? तो 24 का ऑप्शन रहेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, मिसोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है, इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन्स एट ऑल ऑफ इट इन द पास्ट वीक. तो इन क्या रहेगा, 25th का ऑप्शन रहेगा आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, इन एडिशन. नेक्स्ट है 26, समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन अ एक्सप्लोजन इन मॉल. तो 26 का आंसर रहेगा डी ऑप्शन. 27, ही हैज़ फॉलन आउट विद अ गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी. तो 27 का आंसर रहेगा आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन, फॉलन फॉर. नेक्स्ट है आपका 29 का रहेगा आपके पास सी ऑप्शन. 30 का ऑप्शन रहेगा आपके पास सी ऑप्शन. नेक्स्ट आपके पास करेक्टली स्पेल्ड बताना था, तो हरासमेंट को किस तरह से लिखेंगे, 31st का ऑप्शन नंबर सी, 32nd का ऑप्शन नंबर ए. चले गए कि मैथ का आंसर, मैथ का एचसीएफ निकालना था 15 और इसका जो एलसीएम जो भी आना था, तो ये तो फार्मूला होता है तो आपको पता होना चाहिए ना. तो इसका रहेगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, 120. नेक्स्ट है 75% ऑफ 2 इज इक्वल टू, 2 का 75% कितना रहेगा आपके पास, 34 का ऑप्शन नंबर सी, 1.5. नेक्स्ट है 35 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 35 का ऑप्शन नंबर ए, 4 किलोमीटर. नेक्स्ट है 36 का रहेगा आपके पास डी ऑप्शन, डी ही है यहाँ पे भी. नेक्स्ट है 37 का ऑप्शन नंबर बी, बी ही है यहाँ पे लगाया हुआ, काफ़ी अच्छे जो भी जिसका भी पेपर काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है. 38 का ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर बी, 40 का ऑप्शन नंबर सी, 40 का ऑप्शन नंबर सी. देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर इनको अच्छे से सॉल्व करें और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि जो है आपका स्कोर जो है कंपैरिजन जो हो सके. ओके नेक्स्ट है 42 सालमोनेला टाइफी है, तो बैक्टीरिया का टाइप है ना, तो टाइफाइड करता है भाई, ऑप्शन नंबर डी आना था इसका सही आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ड्रग, 43 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, हीरोइन. नेक्स्ट है 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसमें से आएगा आपका बोरोन, बोरोन रहेगा आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है. बीसीजी बेसिलस क्यूरेट ग्यूरिन वैक्सीन, ये कहाँ से होती है, ये टीबी से होती है हमारी, हाँ बी ऑप्शन था इसका. देखिए कलर ऑफ लाइट विच डेविएट द लीस्ट एंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी ज़्यादा डेविएट होती है, तो 46 का ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड एंड वायलेट. ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड इन, जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है 47, तो 47 का आंसर रहेगा आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन, सलाद पत्ता. नेक्स्ट है माइरेज, माय तो रिफ्रैक्शन का होता है ना, 48 का ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी. 49 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, तो कंचनजंगा आएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आपका 50 द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्नो लेपर्ड ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी तो रेणुका झील है. शिमला जो है कब कैपिटल जो है डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1864 को. जलियांवाला बाग में उस दिन बैसाखी वाला दिन था, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर रहेगा. आगे था अगस्त मूवमेंट या फिर क्रांति, अगस्त क्रांति, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके नेक्स्ट है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1944 की घटना के बाद, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए यहाँ पे, 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन, हाँ 5 फरवरी का दिन था ना वो, जहाँ पर जब चौरा चौरी की घटना हुई थी, उसके बाद जो था महात्मा गांधी जी ने इनको वापस ले लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए. पीर पंजाल रेंज, तो इसका तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, जबकि आपका क्या था जम्मू एंड कश्मीर, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी, यस. 57 लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज मेड ऑन कौन सी रिवर पे, था भाई लार्जी ऑप्शन नंबर डी ब्यास, 57 का ऑप्शन नंबर डी है, चलो चेक कर लेना इसको. कल्चर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स ऑफ और छोटा छोटी काशी, तो ये कहाँ से कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है, 58 का ऑप्शन नंबर ए महाशिवरात्रि. नेक्स्ट आएगा आपका ई दाखिल पोर्टल,
कौन से सेक्टर से रिलेटेड है भाई ईदा की रिपोर्ट? 59 का ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर कंप्लेंट। नेक्स्ट है डैश फ्रैक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर रिटायर, 1/3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 60 का ऑप्शन नंबर सी, 1/3 रिटायर होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट कोल रिजर्व? तो झारखंड में है ना, 61 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 62, डैश सॉइल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, तो कौन सी रहेगी? 62 का ऑप्शन नंबर ए, एल्यूवियल सॉइल, वही होती है ना रिवर बेसिन पे एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स? तो इनमें से कौन सा आएगा? राबी, चनाब, ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64, इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट? केरला में आती है सबसे पहले, 64 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे एक शब्द में व्याख्यान कीजिए, बी ऑप्शन अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 66 का ऑप्शन नंबर ए, अनुषंगिक। नेक्स्ट है सर्वथा भिन्न शब्द है, तो 67 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे, चुपचाप। वस्तु को पाने की इच्छा, ओके 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? ऑप्शन नंबर बी, चुपचाप। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी, अभीष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? ज्योत्सना, 69 का ऑप्शन नंबर डी। भाई जिसका पेपर है उसने बहुत अच्छे से पेपर किया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है इनमें से? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी, धनवती। अच्छा उत्थान का, उत्थान का होता है पतन, ये तो विपरीत आर्थिक शब्द था, विलोम शब्द। व का बहुवचन क्या है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वे। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द में से कौन सा? 73 का ऑप्शन नंबर ए, कंठ। नेक्स्ट है हमारे पास व्याख्या का संधि विच्छेद करें, तो व्याख्या को किस तरह से संधि विच्छेद करेंगे? 74 का ऑप्शन नंबर डी, वी जमाख्या। अवकाश विलोम का, आकाश का विलोम शब्द क्या है? अनवकाश। 75 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो 76 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे, प्रथम। शुद्ध संधि चयनित करें, तो 77 परिजमैक्षा, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बेचारा, कोई नहीं देख लेना इसको। नेक्स्ट है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाव में मिठाई, मिठाई आएगी यहाँ पर, मिठास की मिठाई आएगी। 78 का ऑप्शन नंबर ए, अच्छा 78 का ऑप्शन नंबर ए ही है भाई, मिठाई, मिठास। ठीक है, अधगल जग, अध जल गगरी छलकत जाए, मुहावरे की लोकोक्ति, छोटा आदमी का अधिक दिखावा, यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर सी और 80 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका कुल मिला के आपका जो भी आपका आज का टेस्ट था। आई होप आपने जो वीडियो को ज़रूर इंजॉय किया हुआ, तो अपने जानने पहचानने वाला को जो वीडियो शेयर करें, और यानी कि जो भी आपको अगर आपको आंसर की चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं इसको पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नेक्स्ट एग्जाम्स करके तो वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।